करीब 23 सालों से नौणी के अणुधारों की धार सड़क को पक्का करने की ग्रामीणों की मांग आखिर रंग लाई है। इन दिनों इस सड़क की दशा सुधारने का काम पूरे जोरों पर चला हुआ है। 4.5 किलोमीटर तक सड़क को पक्का किया जाना है, जिसके चलते 2 किलोमीटर तक सोलिंग का कार्य पूरा हो चुका है और फेस टू का कार्य प्रगति पर है। एक दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क को जल्द ही पक्का कर दिया जाएगा। सड़क का कार्य आरंभ होने की वजह से करीब 14 गांवों के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। जहां सड़क मार्ग को पक्का करने के कार्य पर स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की है, वहीं पर्यटन स्थल धारों की धार तक विशेष बची 1 किलोमीटर तक सड़क को पक्का करने की भी मांग की है, ताकि क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इन दिनों इस सड़क की दशा सुधारने का काम पूरे जोरों पर चला हुआ है। 4.5 किलोमीटर तक सड़क को पक्का किया जाना है, जिसके चलते 2 किलोमीटर तक सोलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। एक दर्जन से भी अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क को जल्द ही पक्का कर दिया जाएगा। निर्मल ग्राम पंचायत नौणी में नौणी से अणुधारों की धार सड़क जो 4.5 किलोमीटर कच्ची पहले 1995 के बाद बनकर तैयार थी, अब इसमें नौणी से अणु गांव तक लगभग ढाको तक ये 2 किलोमीटर सोलिंग बियरिंग और पक्के होने का कार्य जोरों पर चला है। इसमें पहली जो सोलिंग है वो हो चुकी है और बियरिंग का सेकंड फेज का कार्य शुरू हो गया है और ये जो अप्रैल और मई में इसको पक्का भी करवा दिया जाएगा और लगभग 27 लाख से ज़्यादा इस पर राशि खर्च की जा रही है। इसके लिए मैं जहाँ हिमाचल प्रदेश सरकार और साथ ही सभी प्रतिनिधियों का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस रोड के बनने से जहाँ 14 गाँवों को लाभ होगा और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में निर्मल ग्राम पंचायत नौणी का सवाल है, वह एक आदर्श मॉडल पंचायत है। इस सड़क के बनने से इस पंचायत को एक निर्मल पंचायत के साथ साथ एक आदर्श पंचायत बनने का भी मौका मिलेगा और लोगों को एक सुंदर सड़क ये जो निर्माणाधीन है, इसके लिए जहां पीडब्ल्यू विभाग बधाई का पात्र है, वहां सरकार भी बधाई की पात्र है। साथ ही मैं सरकार से आह्वान करना चाहूंगा कि टूरिज्म की दृष्टि से जहां धारों की धार में आज की तारीख में इको टूरिज्म पनप रहा है, वहां लोग इको टूरिज्म की तरफ एक व्यवसाय के रूप में जोड़ रहे हैं, फूलों का कार्य कर रहे हैं। ये सड़क धार और नौणी के बीच में 1.5 किलोमीटर शेष बस्ती है, तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार और पीडब्ल्यू विभाग से गुजारिश करूंगा कि बहुत जल्द इस सड़क को, कच्ची सड़क को भी पूरा किया जाए, ताकि लोगों को इस सड़क का लाभ मिल सके।